सुबह सुबह घर से निकले थे सैर करने के लिए 52 वर्षीय सुदेश कुमार, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जिंदगी की उनकी आखिरी सैर होगी और घर वापस जिंदा नहीं लौटेंगे। रोज सैर करते थे, लेकिन आज शायद उनकी जिंदगी की आखिरी सैर थी। जब वो सैर करने के लिए अपने घर से सतैनी से निकले थे तो चन्नी मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन आता है और उन्हें जोरदार टक्कर मार देता है, जिसके कारण उनकी इस सड़क हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। संत गाएंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। सुबह सुबह घर से निकले थे सैर करने के लिए 52 वर्षीय सुदेश कुमार, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जिंदगी की उनकी आखिरी सैर होगी और घर वापस जिंदा नहीं लौटेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। एक दुखद समाचार जिला उधमपुर से एक बार फिर सामने आया है। 52 वर्षीय सुदेश कुमार, जो शिक्षा विभाग में कार्य करते थे, रोजमर्रा जिंदगी की तरह वह सैर करने के लिए सुबह निकले, रोज सैर करते थे, लेकिन आज शायद उनकी जिंदगी की आखिरी सैर थी। जब वो सैर करने के लिए अपने घर से सतैनी से निकले थे तो चन्नी मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन आता है और उन्हें जोरदार टक्कर मार देता है, जिसके कारण उनकी इस सड़क हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है तो आनन फानन में उन्हें जीएमसी उधमपुर लाया जाता है, लेकिन जहां पर डॉक्टर उन्हें मृतक घोषित कर देते हैं। यह दुखद समाचार आज सुबह सुबह पेश आया है, जब सुदेश कुमार, जिनकी उम्र 52 वर्ष, जैसे मैंने पहले बताया कि ये घर से सैर करने के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये सैर इनकी जिंदगी की आखिरी सैर होगी और ये वापस घर नहीं लौटेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिला उधमपुर में आए दिन इसी तरह के सड़क हादसों की बात करें तो सामने आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल सवार जो है 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उससे पहले भी ना जाने कितने ही सड़क हादसे जो है वो पेश आ रहे हैं और मासूम लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। कुछ लोग तो जहर खाकर मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। और इसी तरह से कई युवा, कई लोग जो हैं वो नदी नालों में भी डूबकर अपनी जिंदगी की जीवनलीला समाप्त कर चुके हैं। लेकिन ये जो समाचार एक बार फिर जिला उधमपुर से आया है, इसने पूरे उधमपुर में शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है, क्योंकि 52 वर्षीय सुदेश कुमार शिक्षा विभाग में कार्य करते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली, जानकारी मिली, तो हर कोई इस बात के लिए परेशान है और जानकर उदास है कि सुदेश कुमार जी को आखिरकार अज्ञात वाहन ने टक्कर क्यों मारी और वो अज्ञात वाहन वाला कौन था। फिलहाल मामला जो है वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इसकी जांच जो है वो चल रही है।